मोबाइल फोन रिचार्ज पर टैक्स कम कर दिया गया। जराए के मुताबिक अब 100 रुपए के रिचार्ज पर 76 की बजाय 99 रुपए मिलेंगे। अभी तक हुकूमत की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई, लेकिन सार्फी ने बताया है कि 100 रुपए के रिचार्ज पर 99 रुपए का बैलेंस मौसूल हो रहा है, जबकि जनवरी में 26% टैक्स लगने के बाद 100 रुपए के रिचार्ज पर 76 रुपए मौसूल हो रहे थे। याद रहे कि अदालत ने मोबाइल फोन पर टैक्स खत्म किया था और सार्फी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खूब सराहा भी था, लेकिन बाद में साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के जाते ही अवाम की मौजें खत्म हो गयी। याद रहे कि गुज़श्ता साल जून में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मोबाइल फोन कार्ड्स पर टैक्स कटौती के खिलाफ अज खुद नोटिस केस की समाअत की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल कार्ड्स पर सर्विस चार्जिंग विद होल्डिंग टैक्स और एक्साइज ड्यूटी को मुअत्तल कर दिया था। केस के दौरान समाअत एजी पंजाब ने कहा कि सर्विस चार्जेस खत्म करने से पंजाब को हर माह 2 अरब रुपए का नुकसान है। अदालत ने कहा, अगर आप गलत टैक्स ले रहे थे तो ये नुकसान नहीं है और टैक्स खत्म कर दिया गया, लेकिन जनवरी में दोबारा 26% टैक्स लगा दिया गया, ताहम अब ये टैक्स कम करके 11% कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से किसी इत्तला के बगैर ही ये टैक्स कम कर दिया गया और मोबाइल फोन सार्फी ने इसे सराहा है। और खुशखबरी ये है कि अब 100 रुपए के रिचार्ज पर 99 रुपए का बैलेंस मौसूल होगा।